माँ कालरात्रि या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो काली माता की जय हो। माँ कालरात्रि की पूजा, महासप्तमी की शुभकामनाएं। जग सारा है माँ तेरे चरणों में, रखना सदा हमें अपनी शरण में। सिर पर हम रखें आपके चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। जय माता की। माँ का सातवां स्वरूप कालरात्रि देवी का है। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभकारी भी है। कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली है। दानव, देव, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके श्रवण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। तो आज संडे की मॉर्निंग है और हम करने जा रहे हैं, आज नवरात्रा है, सातवां नवरात्रा सप्तमी। तो हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कथा और हवन, और उसमें हम छोटे छोटे भजन डालूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आज कथा होगी काल रात्रि माता की और भ्रमरी देवी माता की। तो माता का तो एक ही नाम है, शेरावाली माता, और उनके आठ नाम हैं के नाम से अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो चलिए मैं आपको, हम कथा करते हैं पूजा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो हमारी टीका कौन लगाएगा? अभी को लगा दिया। जयकारा शेर अवाली द बोल साचे दरबार की स्वाहा। अभी तू भी लगा हाथ। या देवी सर्वभूतेषु सर्व किसे की तू मैं बिना और ने दूजा आस करूं मैं किसे की। ओम जय जगदीश हरे।
शारदीय नवरात्रि सप्तमी माँ काल रात्रि को समर्पित है। देवी का सातों रूप संकटों से उबरने वाला माना जाता है। इस साल महासप्तमी तिथि 2 अक्टूबर 2022 को है। देवी काल रात्रि का पूजन रात्रि के समय बहुत शुभ माना जाता है। हे शुभ निशुंभ के साथ रक्तचिबित का विसर्जन करने के लिए देवी ने कालरात्रि रूप धारण किया था। माँ कालरात्रि का स्वरूप कहा जाता है कि माँ दुर्गा को कालरात्रि का रूप शुंभ निशुंभ और रक्तबीज को मानने के लिए लेना पड़ा था। देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है, इनके श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ की तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं। माँ के चरण हाथ जिनमें एक में खड़ग अर्थात तलवार, दूसरे में लोहा अस्त्र और तीसरे हाथ में अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। बोलो कालरात्रि की जय हो। पानी डाला तुमने इसको? और डाल देना फिर, कल को तो काट ही लेंगे, तो इस टाइम डाल देना रात को। ना ना कोई नहीं, देना चाहिए ना। नवरात्रि में सातवें दिन महासप्तमी पड़ती है। इस दिन माँ दुर्गा की सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। सदैव शुभ फल देने वाली होने के कारण इनको शुभकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली मानी जाती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। माँ दुर्गा की सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि तीन नेत्रों वाली देवी है कहा जाता है। जो भी भक्त नवरात्रि के सातवें विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है। साथ ही भूत प्रेत अकाल मृत्यु रोग शोक आदि से सभी प्रकार की परेशानी से छुटकारा मिलता है
मिलता है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ। मैया आ जाओ, मैया आ जाओ, मैया आ जाओ, मैया आ जाओ, तेरा सजा दिया दरबा रे मैया मेरी आ जाओ। तेरे अकबर आया था मैया, तेरा अकबर आया था, सोने का छतर चढ़ाया तूने नहीं किया स्वीकार रे मैया मेरी आ जाओ। तूने नहीं किया स्वीकार रे मैया मेरी आ जाओ, तेरा सजा दिया दरबा रे मैया मेरी आ जाओ। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्यार भरे भजनों के साथ और माता की आरती और कथा के साथ। तो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय बाय।